नमस्कार, आपका स्वागत है संगीता किचन ब्लॉग में। आज मैं बनाने वाली हूँ महाशिवरात्रि के लिए व्रत का खाना, और आप सभी को महाशिवरात्रि का बहुत बहुत बधाई। तो फिर कई सारी चीज़ें बनाएंगे, और तो फिर चलिए चलते हैं देखने कैसे बनाना है और क्या क्या लेना है। और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर एक इस कटोरी से एक कटोरी साबूदाना जो मीडियम आकार का होता है ना, बिल्कुल वही वाली, एक बड़ी होती है, छोटी होती है, कई साइज की होती है साबूदाना, तो मैं बिल्कुल मीडियम वाला ली हूँ। और इसे अच्छी तरह से 2-3 पानी से धो लिया, जब तक इसकी क्लाउडी जो पानी निकलता है वो ख़त्म ना हो जाए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखने लग जाए, तब तक मैंने धो लिया इसको 2-3 पानी से अच्छे से, और धो कर इसे 1 घंटा पहले रख दिया था फूलने के लिए। अब मैं इसे पीस लूँगी। पीस तो इसे देखिए अच्छे से हो गए, फूल गए हैं, 1 घंटे हो गए हैं, देखिए अच्छे से मैश हो रही है। अब मैं इसे पीस लूँगी, आधा लूँगी, आधा का कुछ और काम है तो मैं इसमें से। और ये सावा का चावल है, ये 5-6 चम्मच ये भी है, तो इसे मैंने अच्छे से धो लिया है 3-4 पानी से, और इसे भी इसके साथ ही पीस लेंगे। और इसमें जो पानी है ये भी डाल दूंगी, थोड़ा सा पानी पीसने के लिए चाहिए होगा, तो यही इसी पानी से हो जाएगा। यदि ज़रूरत और पड़ती है पानी की तो 1-2 चम्मच और पानी डाल सकते हैं। अपनी ज़रूरत के अनुसार मैंने पानी डाल दिया है, थोड़ा कम लगेगा तो पीसने के बाद थोड़ा सा और मिक्स कर सकते हैं। अब इसे पीस लेंगे। मैंने पीस लिया है इसे, और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने पीसा है साबूदाना को, थोड़ा सा मोटा मोटा सा पीसा है ताकि खाने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। यदि आपको इस तरह से पसंद नहीं है तो बिल्कुल फाइन भी पीस सकते हैं। इसी बैटर में मैं डाल दूंगी थोड़ी सी धनिया पत्ती बारीक चॉप किया हुआ, और मैंने यहाँ पर लिया है ग्रेट किया हुआ गाजर है, और अदरक है 1 इंच का टुकड़ा, और 2 मिर्ची है। तो आप अपने तीखा के अनुसार मिर्ची ले सकते हैं, जितना तीखा खाते हैं। और मैंने ये गाजर लिया है, थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगेगा, व्रत में गाजर खा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं ये सब डाल देती हूँ, और मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के ये मूंगफली को पीसा हुआ है, थोड़ा मोटा मोटा सा, इसका टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है, तो 1 चम्मच और डाल देंगे। 1/4 चम्मच डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच साबुत जीरा डाल देंगे, स्वादानुसार डाल देंगे व्रत वाली नमक, सेंधा नमक, कोई व्रत वाली नमक बोलते हैं, तो ये डाल देंगे। यदि और किसी समय भी बना सकते हैं इस तरह से, बिना व्रत का भी बना सकते हैं, तो आप सफ़ेद नमक भी डाल सकते हैं, वैसे सेहत के लिए सेंधा नमक बहुत ही अच्छा होता है। अब इन सबको कर देंगे अच्छे से मिक्स। अब यहाँ पर डाल देंगे 1 सैसे इनू, तो इसे इसे बहुत ही अच्छी फुली फुली सी हमारी जो नाश्ता है बनेगा। इसे एक्टिवेट करने के लिए मैं इस पर पानी थोड़ा सा डालूंगी, तो मैं जार में जो जिसने पीसी थी उसी में थोड़ा सा पानी डाल के डाल दे रही हूँ, ताकि एक्टिवेट भी हो जाए और इसका जो घोल है वो भी इसमें आ जाए। अब इसे कर देंगे मिक्स हल्के हाथों से। इसे डालने के बाद ज़्यादा देर तक रखते नहीं हैं, तुरंत बनाएंगे इसे। मैंने बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह से रखी है, बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा ना ही ज़्यादा पतला। मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, और पैन गैस ऑन करके, और एक डाल देंगे थोड़ी सी घी, और ये जो व्रत का खाना होता है घी में बहुत ही अच्छा बनता है, और घी में ही बनाना चाहिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा बैटर डाल करके इसे बना लेंगे, देखिए इस तरह से फैला लेंगे गोल गोल सा। इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो आप इस तरह से साइज को ठीक कर सकते हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा है, इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, 1 से 2 मिनट के लिए। अब ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं, देखिए हम इस तरह से पक गया है, हाथ में बिल्कुल भी लग नहीं रहा है। अब इसे पलट देंगे, देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है। दूसरे तरफ से भी इसी तरह से सेक लेंगे, दूसरे तरफ से भी देख लेते हैं सिका कि नहीं। ये देखिए दूसरे तरफ से भी अच्छे से सीख गए हैं, और ये देखिए आपको मैं पास से दिखा रही हूँ, बिल्कुल देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। अब हम इसे निकाल लेंगे और दूसरा डाल देंगे उसी तरह से।
इसी तरह से सभी डाल डाल करके बना लेंगे और बहुत ही फ्लफी बन रहा है, बहुत ही अच्छा बन रहा है। इनो की वजह से फुला फुला सा बन जाता है। ये साइड से इसी तरह से ठीक कर लेंगे, साइड को जो भी थोड़ा सा बिखरा उखरा लगे तो आप इस तरह से आप ठीक कर लें, बिल्कुल अच्छे से साइज आ जाएंगे। सेब को मैंने ठीक कर लिया, अब इसे फिर से ढक देंगे। ये देखिए दूसरी तरफ भी अच्छे से सीख गए हैं, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। देखिए कलर कितना अच्छा आया है, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा ये, बिना व्रत का भी आप खाएंगे। इसी बैटर से मैं अप्पे मेकर में भी अप्पे बना करके दिखाती हूँ आपको। हल्का सा ग्रीस कर लीजिए, हमारा घी जमा है इसीलिए मैं इसी से कर रही हूँ। मैं बस थोड़ा सा बना करके दिखा रही हूँ, आप चाहे तो इस तरह से बना करके बिना व्रत का भी बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। ये देखिए इस तरह से डाल देंगे, बिल्कुल पूरा पूरा सा नहीं भरेंगे। ये देखिए मैंने बैटर डाल दिया है और इसे इस तरह से कवर कर देंगे। दो से तीन मिनट फ्लेम को मैंने मीडियम लो पे रखा है। ये देखिए अब मैं इसे इसका ढक्कन हटा दी हूँ और इसे देखते हैं नीचे से सिका है कि नहीं, और इसे पलट देते हैं। बहुत ही आसानी से अप्पे पलट जाते हैं। ये देखिए नीचे से कलर कितना अच्छा आया है, बहुत ही अच्छा आया है। और इसी तरह से सभी अप्पे को पलट देंगे। ये देखिए हमारा फ्लफी फ्लफी अप्पे बिल्कुल पलट दिया है सभी को, और कितना बराबर से डाला था, कितने बड़े बड़े से ये फूल कर हो गए हैं। ये देखिए मैंने अलट पलट करके अप्पे को बिल्कुल तैयार कर लिया है। देखिए कितना अच्छा सा फूला फूला सा अप्पे हमारा बन करके तैयार हो गया है, कितना बराबर सा बैटर डाला था, और देखिए कितना ऊपर तक आ गया है ये। तो इसी तरह से सभी अप्पे को निकाल लेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए एक ही बैटर से दोनों चीज़ बन करके तैयार हो गया है। आप इसे कोई भी व्रत में खा सकते हैं, नवरात्रि के व्रत में भी खा सकते हैं, या फिर महाशिवरात्रि के व्रत में खा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिया है मूंगफली, और मूंगफली को स्लो गैस पर भून करके और बिल्कुल अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है, और उसका छिलका उतार दिया है। कुछ छिलके रह भी गए हैं, कुछ छिलके और ज़्यादातर उतर गए हैं। तो इसे मैं डालूंगी मिक्सी के जार में। और मैंने लिया है यहाँ पर काजू आधी कप, ये मूंगफली का दाना था। आप चाहें तो क्वांटिटी बढ़ा या घटा भी सकते हैं, और मैं यहाँ पर 1/4 कप ले रही हूँ काजू। इसे भी इसी में डाल देंगे। आपके पास यदि टूटे फूटे काजू होंगे तो वो भी चल जाएंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से पीस लिया है, अब इसे निकाल लेंगे एक बाउल में। काजू और मूंगफली में अपना नेचुरल ऑयल होता है, तो उसी की वजह से देखिए इस तरह से पीस के, थोड़ा सा ज़्यादा मैंने पीस दिया तो इस तरह से लिक्विड सा हो गया है। तो ये और इसे ज़्यादा नहीं पीसिएगा, और गरम गरम पीसेंगे तो बिल्कुल भी पीसेगा नहीं, उसमें से ऑयल बाहर आ जाएगा। और ये बहुत अच्छी तरह से पीस गए हैं, देखिए बिल्कुल खोवे की तरह दिखने लग गया है। मेरे पास यहाँ पर मिश्री होता है, बिल्कुल शुद्ध होता है, तो मिश्री को मैंने पीस करके अच्छी तरह से रख लिया था। मिश्री को जब भी पीसे तो उसे छान लें, और क्योंकि उसमें धागा होता है तो इस वजह से, और इस मिश्री को पीस करके रख लिया था। देखिए इस तरह से ये हो गया है, तो मैं स्टिकी सा हो गया था, तो मैं इसमें डाल देती हूँ। टेस्ट के अनुसार मीठा डाल दीजिएगा, वैसे मैं 2 चम्मच भर के डाल रही हूँ। इतने में ये मीठा अच्छे से हो जाएंगे। अब इनको कर देंगे अच्छे से मिक्स। अब इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर। मैंने इलायची पाउडर इलायची को कूट करके डाला है, जो तुरंत कूट के डालते हैं उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। और मैंने यहाँ पर ये मिश्री का पाउडर डाला है, इसकी जगह पे आप शुगर पाउडर भी डाल सकते हैं। ये नहीं है कि मिश्री से ही बनेगा, शुगर पाउडर से नहीं बनेगा। तो इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने बिल्कुल इस तरह से डो की तरह कर लिया है, और एक इस तरह की साइज में 1-1 इंच के टुकड़े में मैं इसे कट कर दूंगी। जितना छोटा बड़ा बनाना है आप बना सकते हैं। बिल्कुल देखिए इस तरह से इसे गोल कर लेंगे, पेड़ा बिल्कुल होता है ना, बिल्कुल पेड़े की तरह बना सकते हैं। आप चाहे तो इसकी बर्फी भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से राउंड कर देंगे तो बिल्कुल पेड़े की तरह दिखने लग गया ना, ये देखिए। तो इस तरह से बना बना करके रख लेंगे। एक और दिखा देती हूँ आपको। देखिए इस तरह से करेंगे तो बहुत ही अच्छा पेड़े का शेप ले लेगा,
और इस तरह से बना बना के रख लेंगे। देखिए सभी पेड़ को मैंने शेप दे दिया है और इस पर लगा देंगे अच्छा लगने के लिए। आप यहाँ पर चाहें तो कुछ भी लगा सकते हैं ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैं पिस्ता लगा रही हूँ। ये देखिए हमारे पेड़े बहुत ही हेल्दी पेड़े हो गए तैयार, व्रत के लिए भी ऐसे भी खा सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ एप्पल लिए हैं, कुछ ग्रेप्स लिए हैं, इसी में काट दूंगी बनाना। यदि आप काट के लेना चाहते हैं तो काट के रखिए, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं। फ्रूट्स में आप कोई भी डाल सकते हैं, काले अंगूर, गोरे अंगूर कोई भी डाल सकते हैं, सब वही अच्छे लगेंगे खाने में। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ प्लेट। देखिए हमारे बिल्कुल नाश्ता अच्छे से बन चुके हैं, तो मैं इनको लगा देती हूँ। ये हमारा चिला हो गया, ये हमारे अप्पे जो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, और मैंने ये जो पेड़े बनाए हैं ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी हैं। ये देखिए हमारी थाली तैयार हो गई है। यहाँ पे चिला हो गया है, अप्पे हो गए और ये पेड़े हो गए, बादाम, ये मूंगफली और काजू के, और यहाँ पर हमारे सलाद हो गए। अब बना लेंगे रायता। रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हरे अंगूर काले अंगूर दोनों काट लिए हैं, और आप ये केला काट रहे हैं, और आप कोई भी फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। यहाँ पर मैंने ले लिया है दही, दही को फेंट दिया है। इसमें डाल देंगे सेंधा नमक स्वाद के अनुसार, 1/4 चम्मच डाल देंगे भुना जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच मिश्री का पाउडर है ये, आप चाहें तो हल्का सा चीनी या चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। इन सब को कर देंगे अच्छे से मिक्स। अब ये फ्लेवरफुल दही को मैं डाल दूंगी इसमें, जिसमें फ्रूट सब काट करके रखा हुआ है। एक बार इसे मिक्स कर लेंगे। मैंने इसे अच्छे तरह से कर दिया है मिक्स, और थोड़े से एक दो ऊपर से डाल देंगे ताकि देखने में थोड़े से अच्छे लगे। हल्का सा जीरा पाउडर इसके ऊपर छिड़क देंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। ये हमारा फ्रूट रायता भी बनकर के तैयार हो गया है। बहुत ही चटपटी है, इसे व्रत में भी खा सकते हैं, बिना व्रत का भी खा सकते हैं। बिना व्रत में भी बनाकर खाएंगे तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।